हेलो फ्रेंड्स, संगीता कौर गैजेट में आपका स्वागत है। ये स्टिचिंग की वीडियो है जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। बेबी लाइनिंग फ्रॉक है और इसके साथ शॉर्ट भी है, तो शुरू से एंड तक वीडियो को आप ज़रूर देखिएगा। तो स्टिचिंग जब हम शुरू कर रहे हैं इसकी, तो सबसे पहले हम इसकी जो तन्नियाँ होती हैं शोल्डर से जो अटैच करनी है उससे हम शुरू करेंगे। तो सबसे पहले हम जो तन्नियाँ हैं उनको एक साइड से ओपन छोड़ के बाकी दोनों तरफ से स्टिच कर लेंगे और सुई की मदद से उसको सीधा कर लेंगे। तो ये रही मेरे पास चार स्ट्रिप्स हैं, जैसे आप देख रहे हैं। इन चारों स्ट्रिप्स को मैं साइड से सिलाई लगा लूँगी और एक साइड को ओपन करके छोड़ दूँगी ताकि इसको मैं सीधा कर सकूँ। तो उल्टी साइड से हम सिलाई लगा लेंगे। अब जैसे कि ये मैंने दो सीधी कर दी हैं, तो आप देखिए ये जो कंदोई सुई ली हुई है मैंने इससे, तो इसको अपोजिट करके सारा खींच देंगे एक जहाँ से ओपन है। थोड़ी मेहनत लगती है, चारों स्ट्रिप्स को हमने सिलाई करके ऐसे ओपन कर लेना है। लास्ट स्ट्रिप है, इसको भी हम ऐसे ही सीधा कर लेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू आए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए जिससे कि इसके व्यू और बढ़ सके और ये वीडियो यूट्यूब पे सर्चिंग में आ सके। ये लीजिए, मैंने ये चारों को सीधा कर दिया है। अब हम लेंगे योक लेंगे और साथ में इसकी लाइनिंग भी लेंगे। तो जो हम योक की कटिंग की हुई है, ये जो स्ट्रिप्स है ये हम इसके बीच में लगाएंगे। तो इसको हम उल्टा कर लेंगे और ये दोनों स्ट्रिप्स ऐसे बीच में अटैच करके, तो हम साइड से सिलाई नहीं लगाएंगे, सिर्फ जे आर्म होल से लेके ऊपर तीरे तक सिलाई लगाएंगे। ये लीजिए मैंने स्टिचिंग कर दिया है। इसके ऊपर एक बैट मशीन भी आप लगा दीजिए। ये साइड से मैंने स्टिचिंग नहीं की है। दोनों मैंने तैयार कर लिया योक के पार्ट्स और अब ये जो योक का पार्ट हमने दोनों तैयार किया है, इसकी जो दोनों साइड से मैंने सिलाई नहीं लगाई है जिसको फिटिंग की सिलाई कहते हैं, तो फिटिंग की सिलाई इसलिए नहीं कराई क्योंकि इसमें आपको लाइनिंग में आपको ओवरलॉक कराने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं लगेगी, इंटरलॉक की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो जैसे आप देख रहे हैं कि मैंने लाइनिंग को उल्टा कर दिया, आप जैसे कि हम अटैच करते हैं कमीज को वैसे योक को दोनों साइड अटैच करके, पर लाइनिंग को हम उल्टा करके जैसे दोनों साइड लाइनिंग को कर लेंगे ताकि, ये देखिए अब मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए। तो हमें इसमें इंटरलॉक करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जो भी धागे हैं उसको मैंने चलो खींच दिया है, पर कैंची से आप काट सकते हैं। ये मैंने एक साइड आपको अटैच करके बताई है, तो दूसरी साइड भी ऐसे ही लाइनिंग को आप देख सकते हैं अटैच करके लाइनिंग को फोल्ड कर देंगे दूसरी साइड और सिलाई करके फिर सीधा कर देंगे। ऐसे स्टिच कर देना है इसको। ये लीजिए हमारा योक रेडी हो चुका है। अब हम दोनों को सीधा कर देंगे अच्छे से फिनिशिंग के साथ। ये लीजिए हमारा ये योक तैयार हो चुका है। अब हम इसके नीचे जो पार्ट में फ्रिल लगाएंगे, तो ये फ्रिल को हम ऊपर से सिलाई लगाकर इसको गैदरिंग से इकट्ठा कर देंगे और नीचे से भी सिलाई लगा देंगे। एक साइड ही ओवरलॉक की ज़रूरत पड़ेगी, दूसरी साइड तो कन्नी है उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये हमारा 13 आ रहा है, तो 13 ही हमने इसको तैयार करके लगा देना है। ये लीजिए मेरी फ्रॉक तैयार हो चुकी है, मैंने इसके साथ अटैच कर दिया है। तो पहले इसमें मैंने इस तरह अटैच किया है कि पहले मैंने मेन फैब्रिक के साथ अटैच किया है, फिर लाइनिंग को उल्टा करके उसके ऊपर दबमी सिलाई लगा दिया है जिससे हमें ओवरलॉक की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और धागे भी नहीं निकलेंगे। फ्रॉक तैयार हो चुकी है,
अब हम इसी, जैसे कि ये मैंने शॉर्ट तैयार किया है बेबी का, तो शॉर्ट को लाइनिंग पे रखकर कटिंग कर देंगे, प्रेस करके लाइनिंग अच्छे से आप करेंगे तो अच्छे से हो जाएगी। तो कटिंग इसकी हो गई है, अब हम शॉर्ट को रेडी करेंगे। इसके लिए हमें लाइनिंग अलग कर देनी है और शॉर्ट को अलग कर, मेन फैब्रिक को अलग कर देना है। अब हमने जो ऊपर का मेन फैब्रिक है, पहले हमने उसके क्रॉच एरिया से सिलाई लगा लेनी है दोनों तरफ। ये से लग गई है सिलाई, और सेम ही आपने लाइनिंग में भी क्रॉच एरिया में सिलाई लगानी है। अभी ये बीच से सिलाई नहीं लगानी, पहले हमने लाइनिंग में भी सिलाई लगानी है। इसको भी मैं ऐसे रेडी करूँगी जिसको आपको शॉर्ट को भी इंटरलॉक कराने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फ्रेंड्स, ये दोनों सिलाई होगी। अब दोनों को हमने उल्टा कर देना है, सीधी लाइनिंग को भी उल्टा कर देना है और जो शॉर्ट है मेन फैब्रिक उसको भी। अब हमने उसको ऐसे अटैच करना है जैसे हम बाजू नहीं अटैच करते कमीज के साथ, वैसे अटैच करना है। बिल्कुल उल्टे 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 को ऐसे पूरी सिलाई लगा देनी है गोल। ये लिए सिलाई लग गई है। अब हम इसको, ये आप समझ गए होंगे कि मैंने किस तरह सिलाई लगाई है। ये मैंने बिल्कुल कॉर्नर्स पे जो होते हैं दोनों को अटैच कर दिया है। अब इसको हम जैसे कपड़ा सीधा करते हैं ऐसे हमने सीधा कर देना है ताकि लाइनिंग पूरी कवर हो सके। ये लीजिए, इसको अच्छे से एडजस्ट कर देना है, और जहाँ से सिलाई लगाई है उसमें से एक बैठमी सीन लगानी है। इसको मैं पंजाबी में कह रही हूँ, वैसे बैठमी सीन होती है और मुझे समझ नहीं आ रहा क्या कहते हैं इसको। तो ये लीजिए, ये हमारा तैयार हो चुका है। अब जो मेरी फ्रिल थी ना, मैंने उसमें से फ्रिल्स में से साइड में से 4 इंच का कपड़ा निकाल लिया था, क्योंकि ये कपड़ा बहुत थोड़ा था। 40 इंच मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था। इसकी कटिंग की वीडियो भी अपलोड है, मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी लिंक, आप वहाँ से जाके कटिंग भी देख लीजिएगा। तो ये तैयार हो चुका है। अब हम इसका जो ऊपर का है ना नेफा, वो हम देखेंगे। इसमें बैठमी सिलाई भी लगा दी है मैंने ऊपर। तो अब जो नेफा है ना उसका हम नाप लेंगे कि कितना इंच है, और जो फैब्रिक है उसकी जो ये दीजिए, ये फैब्रिक क्यों ना, ये 4 थे, मैंने इनको बीच में से कटिंग करके 2-2 इंच का बना लिया। अब इन सभी को पहले सिलाई लगा लेंगे। सिलाई लगाने के बाद जो नेफे को इंची टेप से नाप के, वो जितना फैब्रिक नेफे का आ रहा है उतने को ही हम कटिंग कर लेंगे। तो सबसे पहले हम इसको सिलाई कर दूं जिससे आपको समझ आ जाए कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। ये सिलाई हो चुकी है। अब जैसे ये देखो सिलाई हो चुकी है, अटैच कर लिया मैंने। अब इसके ऊपर हम देखेंगे कि कितने इंच का नेफा है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक जो बन रहा है 14 इंच बन रहा है, तो 14 का अगर हम डबल करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 28 इंच। तो हमें 28 इंच तक की कपड़ा लेना है। जो एक्स्ट्रा होगा उसे हम कटिंग कर देंगे। तो यहाँ तक लेना है, बाकी एक्स्ट्रा है इसे हम कटिंग कर देंगे। ये लीजिए, जहाँ तक एक्स्ट्रा था वो कटिंग करके वहाँ तक सिलाई लगा ली है। अब हम इसको नेफे के साथ अटैच करेंगे, पूरा नेफे के साथ पहले अटैच नहीं करेंगे, पहले वन साइड अटैच करेंगे फिर उसको दूसरी साइड अटैच करेंगे। मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं आपको अच्छे से समझा सकूँ। अगर आपको फिर भी कुछ समझ नहीं आ रहा तो प्लीज़ आप कमेंट कर दीजिएगा। ये लीजिए, मैंने ना नेफा भी फोल्ड कर दिया है। तो अब हम जितना बच्चे की कमर है उससे हम 4 इंच माइनस कर देंगे लास्टिक में। तो जैसे कि बेबी की मैं इसमें 18 है, तो मैं इसमें 9 या 7 इंच तक ही लास्टिक डालूँगी फोल्ड करके, बाकी कटिंग कर दूँगी।
अब इसको मैं सेफ्टी पिन के सहायता से प्लास्टिक मैं इसमें डाल देती हूँ। फ्रेंड, मेरा जो नेक्स्ट वीडियो है वो मैं खुद का सूट कटिंग करूँगी, तो मैं उसका मैं शॉर्ट डाल दूँगी। आप ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे तो फिर आपको वीडियो भी मिल जाएगी। तो मतलब वीडियो तो मैं फिर भी डालूँगी, कोशिश तो करती हूँ। बेबी छोटा है, काम ही नहीं करने देता, क्या करे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपको ये फ्रॉक कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू, आपने वीडियो वॉच करी, थैंक यू वेरी मच। और अपने व्यूज़, अपने थॉट्स आप जरूर कमेंट में शेयर करिएगा। अगर मुझसे कुछ गलती भी हुई है तो आप वो भी शेयर कर सकते हैं मेरे साथ। हो सकता मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको सुधारने की कोशिश करूँगी। थैंक यू।